कृपा अवे
उल्लेखित हो
राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं वृद्धि Okay.
हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रीतम। साची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम।
याद होगा आपको, एक लोहार की
कथा सुनाई जा रही थी। एक लुहार है, तपस्वी जीवन है, भट्टी के आगे सूर्य आके ही भट्टी जला लेता है, शाम तक जलती रहती है। लोहार का काम ही है जैसे सुनार का इनके आगे, जैसे हलवाई का इनके आगे आग की भट्टी जलती रहती है। अपने आप में ही तपस्या है। आग के आगे बैठना कोई मामूली बात तो नहीं, ईमानदार जीवन है लोहार का। परिवार है, एक पुत्र भी, बहुत सुंदर लालन पालन परिवार का हो रहा है। परमेश्वर की कृपा की बरकत भी बहुत होती है। आदमी थोड़ा भी कमाए तो भी खत्म नहीं होता। ये प्रमाणित बातें हैं साधकों। यदि ये प्रमाणित बातें हैं, यदि इनमें विश्वास है, तो फिर झूठ बेईमानी किसने, फिर हेरा फेरी किसने, फिर स्वार्थी जीवन, गंदा जीवन, अत्याचारी जीवन, अन्यायी जीवन किसने। मानो इस बात पर विश्वास नहीं है कि हक की कमाई में बहुत बरकत है, मेहनत की कमाई में बहुत बरकत है। आप ओवरनाइट बहुत धनवान बनना चाहते हैं। हक की कमाई तो खून पसीने की कमाई है साधक जी। लोहार की कमाई ऐसी ही है। एक पुत्र है, संगति भी पड़ गया है, अमीरों का संग मिल गया है। अमीरों के बच्चों को उजाड़ना आता है, जगह जगह से पैसे मारते हैं, मिलते हैं उन्हें और उजाड़ते हैं। ये पैसा टिकता थोड़ी है किसी के पास। आप कहते हो ना हाथ की मैल है, ये सब मानो आज इसके पास कल इसके पास। आज जो राजा है उसे कल रंक बनते कोई देरी नहीं लगती। दुर्भाग्य इंतजार कर रहा है द्वार पर, उसे किसी की इजाजत नहीं लेनी। सौभाग्य तो खड़ा है, प्रतीक्षा करता है अवसर की। अब अवसर आपको मिलेगा तो मैं एंटर करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य दुर्दिन तो प्रतीक्षा नहीं करते। झट से अंदर जाते हैं और जो हाल करते हैं वह आपको पता है। दुर्भाग्य को राजा से रंक बनाने में कोई समय नहीं लगता, तत्काल बना देता है उसको। भीतर प्रवेश करने के लिए दुर्भाग्य को, दुर्दिलों को किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं। बेशर्म की तरह खड़े हैं और भीतर प्रवेश करते हैं, और क्या दुर्दशा करते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लोहार का लड़का उस संग में पड़ गया है, अतः पैसे चाहिए। लोहार की कमाई तो सीमित है। पिता को इस बात का बोध हो गया है कि मेरा पुत्र उजाड़ू है, मेरी कमाई को उजाड़ के रहेगा, मेरी मेहनत की कमाई को, खून पसीने की कमाई को। मैं सुबह से लेते रात तक बैठता हूं। गांव की बात है साधक चल, जहां एक ही लोहार की दुकान हुआ करती है, सारे के सारे जिनको भी कोई लोहारी का काम करवाना है उसी के पास आते। सीमित कमाई है, लेकिन पुत्र की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज सोचा ये मुझे उजाड़ के रहेगा, ये मेरा सब कुछ खत्म करके रहेगा। सोचा इसे समझाना चाहिए, इसे समझना चाहिए। संस्कार तो मेरे हैं, खून तो मेरा है, लेकिन पता नहीं उस संगति के अपने संस्कार हैं। देवियों सब वह किसी को प्रभावित ना करें ऐसा होता नहीं है। संग बहुत प्रबल है इसमें कोई शक नहीं, उस संगति का प्रभाव ही इस लड़के पर पड़ा हुआ है। आज पिता ने प्रेमपूर्वक बुला के कहा, बेटा आज तक तुम जितने पैसे मेरे से मांगते थे मैं देता रहा हूं, किसी भी प्रकार से, चाहे मैं लेट बैठा अति कमाई करी, लेकिन तेरी डिमांड को मैं पूरा करता रहा हूं। मुझे लगता है कि तू मेरे पैसे का दुरुपयोग करता है, इसलिए मैं आज से तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। यदि तूने आखिर बाप है, दिए बिना रहा भी नहीं जाता, पुत्र के प्रति मोह है, हर एक हर बाप ऐसा ही है, नो एक्सेप्शन।
पुत्र मोह इतना प्रबल है, मां का पुत्र के प्रति मोह कोई सीमा नहीं, जो मर्जी पुत्र करवा ले। माता पिता भी करते मोह के कारण और कुछ नहीं। कहा बेटा यदि तुम मेरे से पैसे लेने हैं तो अपनी कमाई करके चार चवन्नी मुझे दो, चार चवन्नी मानो एक रुपया आप कमा के मुझे दो तो मैं तुम्हें पांच रुपये जितने मुझे देने होते हैं मैं दूंगा। कमाई की आदत नहीं, उजाड़ने की आदत है, क्या करें। पिछले पैसे जो पिता ने दिए हुए थे उनमें कुछ पड़े हुए थे, चार चुनिया लेके तो पिता के पास चला गया है। दुकान पर कहा पिताश्री ये लोग अत्यति थे ना, चार चुनी कमा के लाना, मैं कमा के लाया चार चुनी। पिता ने पकड़ी, कहा बेटा ये तेरी कमाई तो नहीं है, इतनी सी बात कहती तो उसे भट्टी में चार चुनियों को फेंक दिया। बच्चा चला गया। कल चार चुन्नी मां से बिताया, मां को चार चुन्नी उससे मांग के ले आया है, नहीं बताया क्या बात है, उस चार चुन्नी की मां जरूरत है मुझे, मां ने चार चुन्नी दे दी, आज फिर लेती क्या है। लो पिताश्री आप चार चुन्नी कहते थे ना मैं कमा के ले आया हूं। पिता ने फिर कहा बेटा ये तेरी कमाई हुई चार चुन्नियां नहीं है। तो इतना कहते हैं भट्टी में चार चुन्नियों को फेंक दिया। अब किससे मांगे, पता है अकेला पुत्र है, माता पिता ने पैसे कहां रखे हुए हैं, वहां से चार चुन्नियां चोरी की, चार चुन्नियां चोरी करके तो पिता के पास फिर ले गया है। लो पिताश्री आज फिर चार चुन्नियां लेके आया हूं। पिता ने वैसा ही किया, आज पुत्र को ऐसा लगने लग गया है कि बाप ऐसे मानेगा नहीं। आज कमाई शुरू, दो दिन में चार चुन्नी कमाई, कुछ भी किया आप सोच सकते हो इस लाडले पुत्र ने क्या किया होगा। मेहनत करी है, दो दिन लगे हैं इसको चार चुन्नी कमाने के लिए, आज पिताश्री के पास लेके गया है। लो पिताश्री ये मेरी कमाई है। आज पिताश्री चार चुन्नी पकड़ी और भट्टी में झोंकने लगा तो पुत्र ने जोर से हाथ पकड़ा, नहीं पिताश्री मत फेंकिएगा इसे, ये मेरी हक की कमाई है, ये मैंने अपने हाथों से कमाई है, मैंने अपने हाथों से चार चुन्नियां कमाई है, मेहनत करके कमाई है, मत फेंकिएगा इसे भट्टी में। एक झुंझलाहट सी पुत्र को हुई है, बाप को लगा आज पुत्र कमा के लेके आया है। झट से कहा बेटा आज तक तू मेरी कमाई को इसी प्रकार से भट्टी में डालता रहा है, तू ऐसा करता था तो मेरी हालत भी छटपटाहट जैसी आज तुम्हें हुई है, मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी ही हुआ करती थी। मेरा पुत्र नालायक मेरी हक की कमाई को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है, मैं पूरे का पूरा शरीर छटपटाता था, ये नालायक पुत्र मुझे एक ना एक दिन उजाड़ते रहेगा। परमेश्वर की कृपा हुई मती सुधरी, ये परमात्मा की कृपा है मती का सुधरना, हर एक की मती सुधरती नहीं, आज उस बालक की उस युवक की मती सुधर गई। पिता के चरण पकड़ के कहता है पिताश्री तेरे चरणों की कसम आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए पिता के साथ ही काम करने के लिए बैठ गया। इस कमाई की पीड़ा जो हक की कमाई है, जो अपने हाथों से अपने खून पसीने से जो कमाया है उसकी दर्द महसूस होती है। एक लखपति करोड़पति के पुत्र को क्या पता कि मेरे पुत्र ने किस प्रकार से, मेरे बाप ने किस प्रकार से लाखों कमाए हैं, कितना खून पसीना बहाया है, कितनी
मेहनत करी है तब जाके मेरा पिता लखपति करोड़पति बना है और मैं उजाड़ने में लगा हूं, उसे कीमत नहीं पता। और कमाने से पता लगता है कि हक की कमाई की खुद की कमाई की पीड़ा दर्द इस प्रकार से होती है। जारी रखते हैं साधक जी चर्चा को और आगे। इसी कमाई में मेरे बंधु को बरकत है, बेईमानी की कमाई में, हेरा फेरी की कमाई में, झूठ फरेब की कमाई में बरकत नहीं है। जैसे ही घरों में ये कमाई आनी शुरू होती है तो रोग भी साथ ही साथ आ जाते हैं। ऐसे जिंदगी भर ट्रीटमेंट करवाते रहो लेकिन ये रोग दूर नहीं होने वाला, चलता रहेगा। क्यों? गंदी कमाई, काली कमाई, आपका मुख काला न करे ये कभी हो नहीं सकता। ये आपके मुख पर कालक मल के जाएंगे, रोग आ जाएंगे, अचानक बेटा मुकदमा आ जाएगा, संतान लड़ाई निकल आएगी, खूब खर्च करने वाली, उस पैसे को एग्जिट चाहिए, वह पैसा आपका नहीं है, अतएव आपके काम भी नहीं आएगा, रोग दूर करने के काम आएगा। मानो वे पैसा रोग के काम आएगा, आपके काम नहीं आएगा, रोग के काम आएगा। असल में कितनी बरकत है इस कमाई में। एक मुसलमान बादशाह है, राजस्व कोष से कुछ नहीं लेता, अपने निर्वाह के लिए, अपने निर्वाह के लिए एवं अपनों के निर्वाह के लिए कुछ नहीं लेता। कुरान शरीफ लिखता है अपने हाथ से, उसे बेचता है। राजा, मुसलमान राजा बादशाह कुरान शरीफ अपने हाथ से लिखता है, बेचता है, अपनी आजीविका चलाता है। अपने नौकर तक को जो पैसे देने होते हैं वह भी वह राज्य कोष से नहीं लेता। मेरे निजी नौकर जो हैं वह मेरी कमाई के हकदार हैं, अधिकारी हैं, पात्र हैं, उन्हें भी वह अपनी कमाई से ही दिया करता। आज देवी सज्जनों, एक निजी नौकर है, ना जाने कितने वर्ष हो गए हैं उसे अपने घर गए हुए। क्यों? राजा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे पैसे देने अफोर्ड नहीं कर सकता, मुश्किल से उसका निर्वाह होता है, उसका उसकी जो रानी इत्यादि होगी या उसका नौकर होगा इतने ही पैसे कमा पाता है। आज घर से तार आ गई है, पिता बहुत सख्त बीमार है, जल्दी से जल्दी पहुंचा। तार लेके नौकर राजा साहब के पास गया है, बादशाह सलामत तार आई है, मुझे घर जाना पड़ेगा, मेहरबानी करके मुझे पैसे दीजिएगा जाने के लिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं, 2 रुपये। कहा मेरे पास भी इससे अधिक नहीं है, 2 रुपये लेके तो अपने माथे पर हाथ मारा है, 2 रुपयों को मैं क्या करूंगा। एक गांव में जा रहा हूं जहां हर गांव वाले को मेरे से अपेक्षा है, राजा साहब का नौकर है, आएगा हमारे लिए ये लाएगा, हमारे लिए वो लाएगा, इत्यादि इत्यादि अनेक सारी अपेक्षाएं होंगी हर एक को। ये 2 रुपये मैं क्या करूंगा, क्या दूंगा, किसको दूंगा, इसका कुछ भी नहीं बनने वाला। इसी सोच में आगे बढ़ता जा रहा है। याद है ना इस बात की चर्चा की जा रही है, हक की कमाई में बरकत असीम है, उसकी सीमा नहीं है। एक राज्य पड़ा है बीच में, अपने गांव जाने से पहले बीच में राज्य एक पड़ता है, वहां ढिढोरा पिस रहा है, क्या मनियादी हो रही है। राजा साहब की महारानी बहुत बीमार है, हकीमों ने उन्हें अनार खाने के लिए कहा है, अनार खाने को मिलेंगे तो इसकी जान बचेगी।
नौकर की बुद्धि देखिएगा, परमात्मा की करनी देखिएगा। 2 रुपये से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बगीचे से निकल रहे थे, अनारों का बगीचा था, 2 रुपये के अनार एक टोकरा भर के मिल गए। एक एक अनार दूंगा तो सारे के सारे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र इत्यादि संतुष्ट हो जाएंगे। इतने वर्षों के बाद आया है, कुछ ना कुछ तो लाया, एक एक मोटा अनार, उनको मीठा अनार खाने को मिलेगा, ये नौकर बड़ा संतुष्ट है। ढोरा सुना, अनार चाहिए। एक एक अनार की कीमत राजा साहब 1,000 रुपया देने को तैयार है। महारानी बहुत मूल्यवान है, 1 अनार का वह 1,00,000 भी मांगे ताकि महारानी की जिंदगी बच जाए, राजा साहब को क्या फर्क पड़ता है। 1,000 रुपये का अनार बिक गया, सारी की सारी टोकरी राजा साहब ने खरीद। 2 रुपये कितने 1,000 बन गए होंगे, संभव है 1,00,000 भी बन गए। हक की कमाई में बहुत बरकत है। शास्त्र कहता है हक की कमाई को खर्च करते रहो तो खत्म नहीं होती। अपने मुख से ये शब्द नहीं कह रहा, शास्त्र के ये शब्द है। हक की कमाई में, खून पसीने की कमाई में, मेहनत की कमाई में, ईमानदारी की कमाई में इतनी बरकत है, खर्च करते रहो तो है कमाई खर्च नहीं होती, बढ़ती जाती है। किसी ना किसी ढंग से ये परमात्मा के खेल हैं देवी सज्जनों, इन्हें कोई इन बारीकियों को जान नहीं सकता। दूसरी कमाई तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसका क्या होता है। साधकों समय तो हो गया है, पर इस वक्त समाप्ति से पहले अध्यात्म में बेईमानी क्या है। बात तो ये है, मुझे क्या लेना है उस बेईमानी से। भौतिकवाद में बेईमान है कोई, कोई चोर है, कोई झूठ बोलता है, कोई कुछ करता है, मुझे उससे क्या लेना देना है। अध्यात्म में बेईमानी क्या है। आप सब यहां आध्यात्मिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप सब यहां साधक बैठे हुए हैं, आप सब यहां परमात्मा के प्यारे भक्त बैठे हुए हैं। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, यही मांगने आए हो, क्या ले सकते हैं। आज घर जाके अपने आप से ये प्रश्न पूछना, कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप परमात्मा के घर में बैठे हुए हो, मेरे गुरुजनों के दरबार में बैठे हुए हो, तो परमात्मा की कृपा के अतिरिक्त आप कुछ नहीं मांग रहे होगे, परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त आप कुछ नहीं मांग रहे। यदि न कृपा मांग रहे हो, न भक्ति मांग रहे हो, संसार मांग रहे हो, तो आप बेईमान हो। अपने अभाव पूर्ण करने के लिए आए हो, मेरे पुत्र के घर संतान नहीं है, वह मांगने के लिए आए हो। 40 दिन का आपने अनुष्ठान ले लिया, 40 दिन श्री रामचंद्र जाएंगे, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, तो आप वहां बेईमान हो। अध्यात्म में बेईमान। एक भक्ति करने का स्थान है ना, एक भक्ति करने का स्थान, भक्ति मांगने का स्थान, कृपा पाने का स्थान, साधना करने का स्थान, और वहां आके आप संसार मांगो, तो ये बेईमानी हुई कि ना हुई है ना। नहीं, आप फिर सिर क्यों नहीं हिला रहे। यदि बेईमानी है तो साधक चुनो, साधक कहना बड़ा मुश्किल है। यदि साधक कहूं तो बेईमान साधक। अपने ऊपर बेईमानी का लेबल लगा के परमात्मा के घर में नहीं जाना। ये एक बेईमान का परिवार है। वह लेबल, वह कालक केवल अपने पर ही नहीं लगती, सारे परिवार पर लगती है। ये उस बेईमान का परिवार है, उस पर तो लगी ही लगी, लेकिन साथ ही साथ परिवार पर भी लग गई। तो देवी सज्जनों, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।
मैं आपको मना के रहूंगा कि हक की कमाई में बहुत बरकत है, कोई मुकाबला नहीं है। इतना ही कर सकता हूं मास्टर जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकता हूं। मानना ना मानना तो देवी सज्जनों आप स्वतंत्र है, एक मैं प्रार्थना करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। हाथ जोड़ के गिड़गड़ा के अपने मस्तक को आपके श्री चरणों पर रख के प्रार्थना करता रहूंगा, मानो ना मानो वह सब आपकी इच्छा है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान।